Dodo TV. अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सभी को रास्ता तय करना होता है, और सफर के बाद मिलने वाली मंजिल अगर हमारी मनचाही हो तो उसकी बात ही कुछ और है। पर क्या होगा अगर सफर खत्म ही ना हो? क्या होगा अगर रास्ता अनंत हो? क्या होगा अगर आप उस रोड पर निकल पड़े जो आपको मौत की ओर ले जाता हो? क्या होगा, ये जानने के लिए बने रहिए। हम चलते हैं नेवर एंडिंग रोड की तरफ। विनय और उसके दोस्त अपने टिपिकल अमीर माँ बाप के बिगड़े हुए लड़के थे। उन्हें ना गरीबों की परवाह थी ना उनकी फिक्र। उनका जो मन करता था वो करते, उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं था। पर कभी ना कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही जाता है, कभी जल्दी तो कभी देर से। विनय और उसके सात दोस्त एक दिन पास ही के गांव में रात के समय चले गए। इस गांव में गरीबों के पास अपने मुर्दों को गड़ाने की भी जगह नहीं थी, इसीलिए उन्हें गांव की सड़क के किनारे गड़ा दिया जाता था। इसी सड़क के पास लगे एक बोर्ड में लिखा था, हमें आराम से सोने दें, हम आपको आराम से सोने देंगे। जब विनय और उसके सात दोस्त यहां पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने इस बोर्ड को निकालकर फेंक दिया, और फिर जिंदा इंसानों तक की इज्जत ना करने वाले लफंगों के इस गुट ने मुर्दों के साथ भी यही सलूक कर दिया। कोई कब्र में रखे फूलों को फेंकने लगा, तो कोई कब्र के ऊपर बैठकर पेशाब करने लगा, और कोई उस पर बैठकर शराब पीने लगा। कब्र पर रखे पत्थर को फेंकने लगा, और ये सब घटिया आइडिया उनके दिमाग में आने लगे। और इन लोगों से जो उम्मीद की जा सकती थी उन्होंने वो ये सब किया। जब इन गिरी हुई हरकतों से उनका मन भर गया तो वो आगे बढ़ गए। अभी तक जो कुछ हुआ वो विनय और उसके दोस्तों ने किया, पर अब किसी और की बारी थी। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आने वाला था। सारे दोस्त उसी रास्ते में आगे बढ़े चले जा रहे थे, तभी उनमें से एक ने रियलाइज किया कि बहुत देर हो गई है, पर रास्ते में कुछ आगे नहीं आ रहा, और अब तो ऐसा लग रहा है कि वो इस रास्ते में गोल गोल घूम रहे हैं और कब्रें बार बार उनके सामने आ रही हैं। तभी वो बोला, यार विनय, तुझे नहीं लगता कि हम यहां से अभी थोड़ी देर पहले गुजर चुके हैं? क्या बकवास कर रहा है, या तो दारू पिया मत कर या फिर हजम करना सीख ले। रोड खत्म नहीं हो रही, दरुआ कहीं का। दो तीन घंटे और चलने के बाद दोस्त की नजर घड़ी पर जाती है। उसकी घड़ी पर 7 बज रहे हैं, पर वो शाम के 7 बजे तो नहीं हो सकते, मतलब ये सुबह के 7 बजे हैं। तब सभी धीरे धीरे इस बात को समझ जाते हैं कि ना तो ये रोड खत्म हो रही है और ना ही रात। और चक्कू का ये गिरोह इस बार ना खत्म होने वाली रोड के अंदर फंस गया था। वो रास्ते में थके हारे चल रहे थे, तभी उनके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो गई। उसके बालों से उसका पूरा मुंह छुपा हुआ था, केवल उसकी लाल आंख नजर आ रही थी। इससे पहले कि वो डर के मारे भागते, वो बोली, हमने कहा था ना हमें सोने दो, हमने कहा था ना हमें सोने दो। और ये कहते ही कहते उसने अपने हाथ में रखा एक भाला सारे दोस्तों की तरफ फेंका, और उनमें से एक के सीने से आकर लगा, और उसकी वही मौत हो गई। घर से 8 निकले थे, केवल 7 बजे। वो चुड़ैल की तरफ पीट करके भागने लगे, तभी उनके सामने एक पिशाच आकर खड़ा हो गया। इसके चेहरे पर ना तो नाक थी और ना ही कान थे,
एक आंख और एक मुंह था। तभी वह पिशाच बोला, हमने कहा था ना कि हमें सोने दो, हमने कहा था ना कि हमें सोने दो। और ये कहकर उसने अपने हाथ ऊपर किए और देखते ही देखते आसपास के पेड़ उखड़ने लगे और वो पेड़ आकर उनके दोस्तों पर गिरे। इन सब के बीच तीन और दोस्तों की मौत हो गई। अब इस गिरोह में केवल चार ही लोग बचे थे। सबके सब बदहवास भागने लगे। सबके सब थके हुए थे। पानी भी पीने के लिए नहीं था और ना ही रात खत्म होने का नाम लेती थी और ना ही रास्ता खत्म होने का नाम लेता था। विनय, हमने सोते लोगों को परेशान करके अच्छा नहीं किया। अब ये हमसे इसी बात का बदला ले रहे हैं। हाँ, आइंस्टाइन, इतना तो हर बेवकूफ को समझ में आ गया है। और ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोई सलूशन बताओ। वरना मुंह खोल के ऑक्सीजन वेस्ट मत करो, ठीक है? इतने में उन्होंने देखा कि रोड में एक गड्ढा हुआ, एक और दोस्त उसमें गिर गया। अब तीन ही दोस्त बचे थे। तभी उनमें से एक ने बोला, क्यों ना अपनी गलती सुधारे, हमने जो कुछ भी कब्रों के ऊपर किया है उन्हें ठीक कर दे तो शायद हमारी जान बच जाए। बिल्कुल ठीक कहते हो, चलो। ये कहकर तीनों वापस वहीं कब्रों की तरफ चले गए और जो फूल उन्होंने फेंके थे उन्हें वापस कब्र पर रख दिए। जो पत्थर उन्होंने हटाए थे वो वापस सही कब्र पर लगा दिए। जो शराब की बोतल कब्र पर रखी थी उन्हें भी हटा दिया और जिस कब्र पर पेशाब की थी उसे भी साफ कर दिया उन्होंने। और वो ये सब कर रहे थे तभी आसमान से कोई चुड़ैल उड़ती हुई आई और उनमें से एक को ले गई। अब दो ही बचे थे। अब हम क्या करें मेरे, हमने तो सब कुछ सुधार दिया तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। रुको, तुम्हें याद है हमने सबसे पहले बोर्ड निकाल के फेंका था? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो विनय, क्यों ना उस बोर्ड को वापस ठीक वहीं पर लगा दिया जाए। हाँ ये कहकर दोनों ने उस बोर्ड को वापस लगाने की कोशिश की लेकिन तभी उनके सामने वही चुड़ैल और पिशाच आ गए और उनकी तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर दोनों और तेजी से उस बोर्ड को उस पुरानी जगह पर गढ़ाने लगे और इससे पहले कि चुड़ैल और पिशाच उनके पास पहुंचते उन्होंने बोर्ड को पुरानी जगह अच्छे से लगा दिया और देखते ही देखते चुड़ैल और पिशाच दोनों गायब हो गए। यही नहीं, धीरे धीरे आसमान से अंधेरा छाने लगा और सुबह हो गई। बचे हुए दोनों दोस्त अपनी गाड़ी में बैठकर भाग गए। मैं उम्मीद करता हूं कि सोते हुए लोगों को दोबारा कोई परेशान नहीं करेगा, और अगर करेगा तो आप जानते ही हैं कि क्या होगा। बहुत समय पहले की बात है, रामनगर नाम का एक गांव था। उसमें एक किसान रहता था जिसका नाम था किशन। उसके दो बेटे थे, रामवीर और राजू। दोनों बेटे बहुत बहादुर और निर्भीक प्रकृति के थे। दोनों रोज घर से जंगल के रास्ते विद्यालय पढ़ने जाया करते थे। विद्यालय गांव से दूर शहर में था। एक दिन वे दोनों विद्यालय से पढ़कर जंगल के रास्ते लौट रहे थे तो जंगल में एक अजीब सी घटना हुई। उनके सामने धुआं सा छा गया, हवा तेज हो गई, डरावनी आवाज आने लगी। तभी उन्होंने देखा कि सामने एक बहुत भयानक शैतान खड़ा है। वे दोनों डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। राक्षस डरावनी आवाज निकालता है। मैं ब्रह्म राक्षस हूं, ब्रह्म राक्षस। तुम दोनों लड़के बहादुर हो,
कल हमें बहादुर लड़कों की बलि देनी है, क्योंकि आज मेरी शादी होने वाली है। ब्रह्म राक्षस उन दोनों लड़कों को हाथों से पकड़ लेता है और गायब हो जाता है। उन दोनों को लेकर वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर एक लोहे के पिंजरे में एक सुंदर सी परी कैद थी। दोनों भाइयों को समझते देर नहीं लगती कि ब्रह्म राक्षस इसी सुंदर परी से शादी करने वाला है। अब तुम दोनों कल तक यही रहोगे, कल अमावस्या की रात है, मेरा पूरा परिवार आएगा, मेरी शादी परी के साथ होगी, तब तुम दोनों की यहाँ पर बलि चढ़ाई जाएगी। ये बात सुनकर दोनों डर जाते हैं। ब्रह्म राक्षस वहां से गायब हो जाता है। बच्चों, तुम इस ब्रह्म राक्षस के जंगल में कैसे फंस गए? तुम तो बहुत ही नाजुक हो, तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी, ये मुझसे जबरदस्ती शादी करने वाला है। मैं कितनी बदकिस्मत हूँ कि तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकती। नहीं नहीं, आप रोइए मत, रोने से कोई फायदा नहीं है। हमारे पिताजी कहते हैं अगर हिम्मत से काम लोगे तो कोई ना कोई उपाय जरूर निकल आएगा। यहां से निकलने का कोई तो रास्ता होगा। यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगर हम यहां से निकलेंगे तो तुरंत ही ब्रह्म राक्षस को पता चल जाएगा और वो यहां पर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। और मैं तो पिंजड़े में कैद हूं। कोई तो रास्ता होगा यहां से निकलने के लिए, कोई ना कोई उपाय जरूर होगा, जरा शांति से सोचिए। एक रास्ता है यहां से निकलने का और वो है ब्रह्म राक्षस की मौत। ये कैसे संभव है? ब्रह्म राक्षस के पास अदृश्य शक्तियां हैं और मैं तो एक साधारण सा बच्चा हूँ, और ब्रह्म राक्षस का सामना करना मेरे बस की बात नहीं है, फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। सामने एक आरा है और आरे के एक पिंजरे में तोता बैठा हुआ है। उस तोते में ब्रह्म राक्षस की जान है और अगर तुम उस तोते को मार दोगे तो ब्रह्म राक्षस अपने आप ही मर जाएगा। और हम यहां से आजाद हो जाएंगे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। अब ब्रह्म राक्षस को उसके पाप कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। राजू आगे की तरफ बढ़ता है। और तोते को देखता है। जैसे ही राजू तोते को देखता है, तोता जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हवाएं चलने लगती हैं। राजू तोते के और करीब पहुंच जाता है, पिंजरे को पकड़ लेता है, पिंजरे में से तोता निकाल लेता है। तभी ब्रह्म राक्षस प्रकट हो जाता है। बच्चे, इस तोते को छोड़ दो, इस तोते को छोड़ दो, इस तोते को कुछ मत करना, वरना तुम जान से हाथ धो बैठोगे।
तलवार लेकर राजू की तरफ बढ़ता है। नहीं राजू, तोते को मत छोड़ना, वरना हम सबको मार देगा। तुम तोते की गर्दन दबा दो। राजू तोते की गर्दन दबा देता है और ब्रह्म राक्षस वही जलकर ढेर हो जाता है। परी अपने आप स्वतंत्र हो जाती है। राजू को गले लगाकर कहती है कि तुम वास्तव में एक बहादुर बच्चे हो। परी एक उड़न खटोला बुलाती है। और तीनों उस पर बैठकर राजू के गांव पहुंच जाते हैं। परी उनको घर पर छोड़कर उनका आभार व्यक्त करती है और अंतर ध्यान हो जाती है। सारनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रामयाद नाम का एक पंडित रहा करता था। वो लोगों के घर से जाकर भिक्षा मांगता और अपना जीवन चला रहा था। शाम देही, भिक्षाम देही। हे माँ, कुछ खाने के लिए आटा चावल जो हो ले आओ। कुछ नहीं है, चले जाओ, रोज रोज यहाँ थोड़ी रखा हुआ है। जब देखो मुंह उठाए चले आते हो। रामयाद सर झुकाए वहां से चला जाता है। रामयाद की एक बेटी थी, उसका नाम रंभा था, जो कि शादीशुदा थी, पर उसका पति उसे घर से निकाल चुका था, तो वो वहीं आकर रहती थी। रमियात को खाली हाथ घर लौटते हुए देख उसने रमियात से कहा, बाबूजी, मेरी वजह से ही आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ती है, मैं आप पर बोझ बन गई हूँ। नहीं बेटी, तू ऐसा क्यों सोचती है? अरे बेटिया तो अपने पिता की शान होती है। पर बापू, पता नहीं ये गांव वाले इतने जालिम क्यों हैं? क्यों वे हमें थोड़ा भिक्षा भूत नहीं दे सकते? अब मैंने सोच लिया है, भगवान की पूजा करने से अब कोई फायदा नहीं। इस दुनिया में तभी कमाया जा सकता है जब लोगों में डर पैदा किया जाए। लेकिन बाबूजी ये ठीक नहीं, भगवान पर भरोसा रखिए, आज न कल वो हमारी जरूर सुनेगा। नहीं बेटी, अब मुझसे और सहन नहीं होता। मैं आज ही एक तांत्रिक के पास जाता हूँ और उससे तंत्र विद्या सीखकर इन गांव वालों को सबक सिखाऊंगा। बाबूजी रुक जाइए, मैंने लोगों से सुना है कि वो तांत्रिक शैतान है। रुक जाइए बाबूजी। रामयाद रंभा की बात नहीं मानता है और वो उस मनोहर तांत्रिक के पास चला जाता है। तांत्रिक उसे देखकर चौंक जाता है। क्या बात है पंडित, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? तांत्रिक, आज मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। ये तो होना ही था पंडित, मुझे पता है सत्य के साथ जीवन बिताना बहुत मुश्किल है। मुझे सब पता है, मैं बस अब तुम्हारी शरण में आ गया हूँ, तुम अब मेरा कल्याण करो। होगा, कल्याण होगा, पर सबसे पहले तुम अपने शरीर से ये धागा निकाल दो और मेरे साथ चलो। कहाँ? शैतान का मंत्र सीखने। मैं कोई छोटा मोटा तांत्रिक बनना नहीं चाहता, मैं बहुत बड़ा और शक्तिशाली तांत्रिक बनना चाहता हूँ जो इस दुनिया पर राज करे। क्या तुम्हारे पास इसका कोई उपाय है? उपाय है, लेकिन बहुत कठिन है। हम सबके गुरु हैं बेताल। अगर तुम अपनी साधना से उन्हें खुश कर पाओ तो तुम अलौकिक शक्ति के मालिक बन जाओगे। लेकिन ध्यान से, ये साधना बहुत कठोर है, अगर असफल रहे तो मारे जाओगे। भूखा मरने से तो अच्छा है कि मैं साधना करके बेताल को सिद्ध करूं। मुझे उन्हें सिद्ध करने का मंत्र बताओ। उनको सिद्ध करना बहुत मुश्किल है, तुम्हें बाल नहीं कटवाने होंगे,
बाल को बांधना होगा, नहाना नहीं होगा, शमशान में रहना होगा और जले हुए मुर्दों के मांस को खाना होगा। और हर महीने तुम्हें एक बलि चढ़ानी होगी। किसकी बलि? इंसानों की बलि। जैसे जैसे तुम अपना काम करोगे वैसे ही महीने में एक रात बारिश होगी, जो भूतिया बारिश होगी। उसमें बर्फ के समान एक भूतिया बर्फ गिरेगी जिसे तुम्हें खाना होगा, जिससे तुम शैतान बनने लगोगे। और जिस दिन तुम उस बेताल को सिद्ध कर लोगे वो तुम्हारे अधीन हो जाएगा। तांत्रिक ये बोलकर चला जाता है और रामयाद उस बेताल की साधना में मगन हो जाता है। 6 महीने तक वो नहीं नहाता है, न बाल कटवाता है। वो एकदम हैवान जैसा दिखने लगता है। जब भी बारिश होती वो उस बारिश में बर्फ चुनके खाता और अपनी शक्तियां बढ़ाता। वो गांव के लोगों को बहला फुसला कर और उन्हें नशीली चीजें सुंघा कर बेहोश कर देता और उनकी बलि चढ़ाता। 10 बलि चढ़ाने के बाद बेताल खुश हुआ और रामयाद के सामने प्रकट हुआ और बोला, मैं तुम्हारी साधना से बहुत खुश हुआ, आज से मैं तुम्हारा गुलाम हुआ। हुकुम करो। मैं सारे गांव वालों को अपने वश में करना चाहता हूँ। वो लोग मुझसे डरें, मेरी इज्जत सम्मान करें। ऐसा ही होगा मेरे आका। मैं तुम्हारी शक्तियों को देखना चाहता हूँ। जरूर मेरे आका, बताइए मुझे क्या करना होगा। आप जब जहाँ मुझे बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। आप जब भी मुझे बुलाना चाहें तो आप शाका बूम बूम कहिए और मैं अदृश्य रूप में आपके सामने आ जाऊंगा और सिर्फ आप ही मुझे देख पाएंगे। ठीक है। रामयाद तांत्रिक के भेष बनाए अपने गांव में जाता है। वो बहुत जोश और उत्साह से भरा हुआ था क्योंकि उसने बेताल को सिद्ध कर लिया था। सारे गांव वाले उसे देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे भाई, ये वही रामयाद पंडित है ना जो अब तांत्रिक बन गया है। ओ भाई, आज भी बेचारा मांग कर ही खाता है। पता नहीं बेटी भी घर पे पड़ी रहती है, क्या जाने बाप बेटी अंदर अंदर क्या गुल खिलाते होंगे। रामयाद गुस्सा हो जाता है और दोनों को अपनी शक्ति से मूर्ति बना देता है। रामयाद आगे बढ़ता है और एक घर के पास जाकर पूछता है। तभी एक ज्ञानी बाबा उस गांव से गुजर रहे होते हैं और वो ये सब लीला देखकर वहीं रुक जाते हैं। मेरे रास्ते से हट जा बाबा, वरना तुझे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। जान का मुझे मोह नहीं, पर तू आज नहीं बचेगा। मैं अमर हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता, तू भी नहीं मार सकता। तभी साधु बाबा मंत्र पढ़ते हैं और अभिमंत्रित भभूत उसके ऊपर डाल देते हैं, जिससे रामयाद तांत्रिक की आंखों में बहुत जलन होने लगती है और वो तड़पने लगता है और तड़पते तड़पते वही जमीन पर गिर जाता है।